हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रयागराज है यानी कि जो इलाहाबाद है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उसकी वेबसाइट जो है कल हैक हो चुकी थी। और सबसे पहले मैंने वीडियो बना के आपको अपडेट दिया था। अभी यहाँ पर आगे का क्या अपडेट है, वेबसाइट तो खुल रही है लेकिन डाटा जो है वो प्रॉपर शो नहीं हो रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जो वेबसाइट है वो स्टूडेंट्स ने हैक कराई थी और स्टूडेंट ने हैक करा के वहाँ पर अपने रोल नंबर्स को चेंज किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कहां से ये न्यूज़ सामने आई है। और साथ ही हम लोग जो है प्रयागराज को पूरा एनालाइज करेंगे। जो ऑफिशियल डाटा हमारे पास है उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि कितने स्टूडेंट यहां पे पास हुए हैं, कितना परसेंट कंपटीशन अभी बन रहा है और कितना कट ऑफ यहां पे इंक्रीज हो सकता है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं वेबसाइट की, तो अभी जैसे यहां पे आप गूगल में जाके RRC NCR सर्च करोगे तो वेबसाइट जैसे यहां पे आएगी। अब इस पे क्लिक करते हैं। कल तो यहां पे जो है कुछ अजीब सा ही नाम लिखा हुआ रहा, तो अभी वेबसाइट तो ओपन हो रही है। ठीक है, देखो वेबसाइट ओपन हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही। मतलब वेबसाइट को रिकवर कर लिया गया लेकिन डाटा यहाँ पे पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। देखो पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो PET का रिजल्ट था वो 30 तारीख तक का दिखा रहा था, अभी 31 का भी दिखा रहा है। ऊपर आप देखेंगे 1 तारीख का भी दिखा रहा है, 2 तारीख का भी दिखा रहा है, लेकिन ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट को, तो इस पर क्लिक करके ना देखो यहाँ पे ये खुल जाएगा और आप कितनी भी बार इसको कोशिश कर लेना यहाँ से कुछ भी डाटा डाउनलोड नहीं होगा। मतलब वेबसाइट तो रिकवर हो चुकी है लेकिन पूरा डाटा भी रिकवर नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी डाटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। बार बार ये लिखा हुआ है और मैंने इसको लैपटॉप में भी चेक किया, लैपटॉप में भी ये ऐसा ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि वेबसाइट को रिकवर कर लिया गया लेकिन पूरी तरह से भी रिकवर नहीं हुई है, इसमें टाइम लगेगा। अब सवाल ये उठता है, कुछ लोगों का कहना है कि सर जो वेबसाइट है वो स्टूडेंट के द्वारा हैक की गई थी, वहाँ पे रोल नंबर में चेंजेस किए गए हैं या फिर स्टूडेंट के द्वारा ही ये जो काम है ये किया गया है। देखो इसके बारे में हम ऐसे कोई पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते कि ये स्टूडेंट ने हैक कराई थी या फिर की थी। कल मैंने दिखा दिया था जिसने हैक की थी वहाँ पे, और कुछ अजीब सा ही नाम था एडीज मोजो करके, तो कोई बाहर की कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, हो सकता है स्टूडेंट ने हैक कराई हो। मतलब इसके रिगार्डिंग जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट ने इसको हैक किया। और मान लो कि अगर स्टूडेंट ने इसको हैक करके वहाँ पे कुछ फेरबदल की है डाटा के साथ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बैकअप में होती है उनके पास, तो बैकअप से जब उसको मैच किया जाएगा तो वहाँ पर वो पकड़े जाएंगे। मतलब ये चीज़ें कामयाब नहीं होंगी। अगर स्टूडेंट ने ऐसा किया है और स्टूडेंट के द्वारा ऐसा काम करके सिलेक्शन लेने की कोशिश की गई है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं रात से कि सर डाटा को मैनिपुलेट किया जाएगा, डाटा चेंज किया जाएगा, काफ़ी स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट मेहनत से अंदर गया है PET पास करके वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसके लिए भी प्रोटेस्ट करने के लिए हम आपके साथ हैं, तो बिल्कुल आपको सुनिश्चित रहना है। बाकी बैकअप्स में डाटा को जब मैच किया जाएगा तो वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इतने बड़े लेवल पर जो है मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट जो है धांधली करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे, सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। तो बिल्कुल इस बात को लेकर आपको निश्चिंत रहना है। अब हम लोग डाटा की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो 30 तारीख तक का डाटा हमारे पास जो है वेबसाइट पे अवेलेबल है, हम उसी की बात करेंगे। 30 तारीख के बाद 31 और 1 तारीख को जो PET हुआ है उसका डाटा नहीं आया, लेकिन मैं इसके आधार पर आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इलाहाबाद के बारे में। तो 16 तारीख से PET स्टार्ट हुए थे, यहाँ पर मैंने लिखा है इधर जितने कैंडिडेट है ये पास वाले हैं और ये इधर फेल वाले हैं, और ये डेली का जो पासिंग परसेंटेज है वो लिखा हुआ है। अगर देखा जाए 16 तारीख में 56% स्टूडेंट यहाँ से पास हुए थे, 17 तारीख की बात करूँ तो 62%, 18 तारीख की बात करूँ तो 74%, 19 तारीख को 69%, 28 जनवरी को जो है 79%, 29 जनवरी को 73%, उसके बाद 30 जनवरी को 74%। ठीक है, अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो टोटल 30 तारीख तक जो स्टूडेंट पास हुए हैं 6,262 स्टूडेंट पास हुए हैं, 2,681 स्टूडेंट फेल हुए हैं, और टोटल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 70% यहाँ पे पासिंग परसेंट रहा है। तो अच्छी मात्रा में स्टूडेंट पास हुए इलाहाबाद से। अब थोड़ा सा आगे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वैकेंसी की, टोटल यहाँ पर वैकेंसी है 4,730, उनमें से 948 आपकी CC वालों की हैं, 145 PWBD की हैं, यानी कि टोटल 1,093 सीट्स को अगर हम निकाल देते हैं इसमें से, यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जो सीट बचती है 3,637 बचती हैं। ठीक है, अब PET कितने स्टूडेंट ने पास किया है 30 तारीख तक, तो 6,262 स्टूडेंट ने PET पास किया है। अब दो दिन का डाटा इसमें गायब है, मतलब वो नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसको भी आप जोड़ोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे 1-2% का ही फर्क पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक सीट पर 1.7 कैंडिडेट अभी भी फाइट में है, तो 2 से कम है। और आप लोगों ने देखा था कल मैंने आपको हुबली का जो एनालिसिस दिया था, वहाँ पर 2.5 था, तो हुबली तो खैर बहुत ऊपर जाएगा। बाकी इलाहाबाद थोड़ा सा मॉडरेट में है अभी पर सीट कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखा जाए। बात करें अगर कट ऑफ की, तो UR का कट ऑफ 66.48 था, OBC का 59.93 था, ST का 52.35 था, ST का 35.55 था, और EWS का 48.83 था।
अब इसके आधार पर आप देख सकते हैं कट ऑफ तो इंक्रीज होगा ही होगा। यहाँ पे मैं कट ऑफ इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि दो जोन का अभी तक कट ऑफ आया है और बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिला है। एक जोन में 11 नंबर बढ़ गए AWS में, दूसरे जोन में पॉइंट्स में नंबर बढ़े हैं, इसलिए मैं कट ऑफ नहीं बताता हूँ। लेकिन मैं डाटा आपको बिल्कुल एक्चुअल दिखा दूँ, तो डाटा आपके सामने है ये, तो डाटा को देखने के आधार पर आप खुद निर्धारित कर सकते हैं। कट ऑफ तो बढ़ेगा, अब कितना बढ़ेगा वो तो जब लिस्ट आएगी तब पता लग जाएगा। बाकी दो दिन का डाटा जैसे ही अपलोड होता है जो बचा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि स्टूडेंट ने वेबसाइट को हैक करा के जो है उसको डाटा को मैनिपुलेट किया है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो वो लोग पकड़े जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। अगर ऐसी कोई आगे बात होती है तो बिल्कुल आप लोगों का साथ दिया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा जैसे हमेशा किया जाता है। बाकी आपके इस बारे में जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।